रचना मिश्रा एक बार फिर से लालबाग गर्ल्स एंड टच कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो कक्षा 10 का वाणिज्य विषय है और उसका खंड घ अर्थात अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का आज जो हमने पाठ लिया है वो लिया है उत्पादन तथा उसके साधन, जो कक्षा 10 और 11 तथा 12 तीनों के लिए ही बहुत ही जरूरी है। तो कॉपी और पेन लेके आप बैठ जाइए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आपको 4 से 5 नंबर बोर्ड परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से दिला सकता है। चलिए देखते हैं, आज जो मैंने लिया है चैप्टर वो है उत्पादन तथा उसके साधन। उत्पादन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जब हम किसी वस्तु को बनाकर बनाते हैं और वो जब बनकर तैयार हो जाती है उसको उत्पादन कहते हैं। यदि हम एक उदाहरण लें तो ये मार्कर है। इस मार्कर को बनाने के लिए हमने बहुत से विभिन्न तत्वों का प्रयोग किया होगा, जैसे इस प्लास्टिक का प्रयोग किया होगा, लिखने के लिए इस लिप का प्रयोग किया गया होगा और इसमें जो इंक पड़ने वाली उस इंक का प्रयोग किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण इसको बनाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति ने कार्य किया होगा। अर्थात आपने देखा कई चीजों से मिलकर यह एक चीज तैयार हुई जो हमारा कहलाता है उत्पादन। और उत्पादन एक ऐसी वस्तु है जो हर व्यक्ति के लिए उसकी जरूरत के हिसाब से महत्वपूर्ण होती है। तो यदि हम परिभाषित रूप में या एक लिखित रूप में देखें कि उत्पादन क्या है, तो उत्पादन का अर्थ उत्पादन मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का नाम है, जिनके अंतर्गत विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसी को उत्पादन कहते हैं। यानी हमारी जो मानवीय यानी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वो समस्त चीज जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अनिवार्य रूप से जगह रखती है उत्पादन कहलाती है। जैसे एक भूखे व्यक्ति के लिए खाना है, एक विद्यार्थी के लिए उसके लिखित रूप में कार्य करना है, इस प्रकार की अनेक अनिवार्य चीजें हैं जो करता है, ये उत्पादन कहलाते हैं। आगे देखते हैं उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन का अर्थ क्या होता है, उत्पादन हमने बनाया, अब इसको बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं ने हमारा सहयोग किया वो उत्पादन के साधन कहलाते हैं। यदि हम अर्थशास्त्र की दृष्टि से बात करें तो अर्थशास्त्र की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण 5 भागों में बांटा गया है जो उत्पादन के कार्य में सहयोग करते हैं। पहला देखते हैं भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, उद्यम। भूमि के बारे में बता दूं मैं, किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए या उत्पादन को बनाने के लिए हमें भूमि की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है, जो हमें प्रकृति से निःशुल्क रूप में प्राप्त है। परंतु यदि हमें उसे व्यापार की दृष्टि से कार्य करना है तो उसे हमें लेना पड़ता है। दूसरी चीज होती है पूंजी। पूंजी वह धन होता है जो हम व्यापार प्रारंभ करते समय उसमें लगाते हैं, उसे पूंजी कहते हैं। श्रम पूंजी हो गई, भूमि हो गई, अब हमें जो व्यापार करना है उसके लिए हमने कुछ ना कुछ हमने दिमाग में रखा होगा कि हमें यह उत्पादन बनाकर तैयार करना है, उसके लिए हमें श्रमिक वर्ग की जरूरत होती है, जो व्यक्ति उस कार्य को कर सके वह श्रम कहलाता है। संगठन, संगठन को यदि हम देखें तो भूमि, पूंजी, श्रम, इन तीनों चीजों को जो व्यवस्थित रूप में एकत्रित करता है वह व्यक्ति कहलाता है संगठन करता है, और इनको जो अच्छे तरीके से व्यवस्थित करता है वो संगठनकर्ता का कार्य होता है, ये कहलाता है संगठन। यानी इन तीनों चीजों को एक जगह पर व्यवस्थित करके लाना। चौथा आपका 5वां है उद्यम। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, इन चारों व्यक्ति को जो समयोजित करके अपने पास एकत्रित करता है वह होता है उद्यम। उद्यम का कार्य होता है इन चारों व्यक्तियों को या चारों वस्तुओं को व्यवस्थित रूप में लाना, यह उद्यमी का काम होता है। अब यदि ये चीजें हमें मिलती हैं तो भूमि, जो भूमि का मालिक होता है, जैसे यदि एक मकान बनता है उसका जो ओनर होता है उसको मकान मालिक कहते हैं। इसी प्रकार यदि हमारे पास भूमि है तो हम क्या कहलाएंगे, यदि हमारे पास पूंजी है तो हम क्या कहलाएंगे, तो देखते हैं जो भूमि का ओनर होता है उसको कहते हैं भूमिपति, पूंजी का देने वाला पूंजीपति, अपने श्रम को देने वाला श्रमिक, अपने संगठन यानी अपने नेतृत्व को देने वाला संगठन करता, और इन सभी चीजों को लाने वाला उद्यमी कहलाता है। ये वो 5 व्यक्ति होते हैं जो इन कार्यों को करते हैं। आगे देखते हैं, अब जिस प्रकार आप एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, साधा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आपको अपना रिजल्ट मिलता है, उसी प्रकार ये व्यक्ति जब अपनी मेहनत को देते हैं या अपने कार्यों को करते हैं या अपनी वस्तुओं को देते हैं तो उसके उपरांत इन्हें कुछ ना कुछ मिलता है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी भूमि को कार्य के लिए देता है तो उसे लगान मिलता है, जब कोई पूंजीपति अपने धन को देता है व्यापार के लिए उसे ब्याज प्राप्त होता है, जब कोई श्रमिक अपना कार्य या अपनी मेहनत को देता है व्यापार के लिए उसे उस कार्य के लिए मजदूरी मिलती है, जब कोई संगठन करता इन सभी को अच्छे तरीके से एकत्रित करके कार्य करवाता है
उसको उसके कार्य के लिए वेतन मिलता है। इसी प्रकार उद्यमी जो इन सभी कार्यों को, इन चारों कार्यों को करने के बाद जो आपको मिलता है, लाभ मिलता है, उसे लाभ या हानि कहते हैं। एक उद्यमी का कार्य होता है साहस का, इसको साहसी भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के पास एक ऐसी क्षमता होती है जो इन चारों चीजों के कार्य को करने के बाद जो बचा हुआ लाभ होता है या हानि होती है उसको वहन करने की क्षमता रखता है। अब आगे की जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो हम भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और उद्यम, इन पांचों के विषय में अलग अलग एक एक पार्ट वाइज या एक एक पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।